तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्टार्ट करते हैं आज के, मतलब 15 जुलाई के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला सवाल देखिए, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का सेलिब्रेशन आज होने वाला है। 15 जुलाई को होता है और आज ही 15 जुलाई है, तो डेट याद रख लेना। किसकी? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की। आपको बताना है ये दिन जो इस साल मनाया जाएगा 2020 में, उसका थीम क्या होगा। 2020 के लिए थीम बताना है आपको, एंड द आंसर इज स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ इन द एरा ऑफ COVID-19 एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो कीवर्ड ध्यान रखिएगा रेजिलियंट यूथ। और बाकी जितने भी थीम्स हैं, जो भी डेज होते हैं, उन सब में अब COVID-19 अपियर हो ही रहा है, जब देख ही रहे हम लोग, काफी एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो दिन कब होता है और थीम पता होना चाहिए। और हाँ, इंडिया में जो स्किल इंडिया मिशन था, उसके भी लॉन्च के 5 साल इसी दिन पूरे होंगे, मतलब आज पूरे होंगे। तो उसमें एक डिजिटल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराएंगे। कौन कराएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वो मिनिस्ट्री करवाएगी। खैर, दिन और थीम याद रखिएगा, काफी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन HRD मिनिस्ट्री वर्ड ऐड कर लीजिए। इट हैज रिलीज्ड प्रज्ञात गाइडलाइंस। किस चीज के लिए गाइडलाइन रिलीज करिए? प्रज्ञात गाइडलाइंस किसके लिए? एंड द आंसर इज इट इज फॉर ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन। मिनिस्ट्री वर्ड ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ रूल्स या गाइडलाइंस बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट से 8th क्लास तक की बात है, वहां पे मैक्सिमम 2 क्लासेस हो सकती हैं। ड्यूरेशन 30-45 मिनट रहेगी एक क्लास की, मतलब मैक्सिमम 1.5 घंटा 1.5 आवर्स की क्लास हो सकती है फर्स्ट टू 8th क्लास के लिए। 9-12th के लिए मैक्सिमम 4 क्लास हो सकती है, जिसमें एक क्लास की ड्यूरेशन 30-45 मिनट्स होगी, मतलब मैक्सिमम 45x4 कर दूं तो 3 घंटे 3 आवर्स हो सकती है। और प्री प्राइमरी के लिए मैक्सिमम 30 मिनट्स का इंटरेक्शन हो सकता है पेरेंट्स के साथ टीचर्स का, ठीक है। उसके अलावा ये भी बोला गया कि टीचर्स को पेरेंट्स के साथ रेगुलरली टच में रहना चाहिए, इन्फॉर्म रहना चाहिए पेरेंट्स को मैसेजिंग एप्स या फिर ईमेल्स के थ्रू। और एक बात और, टीचर से ये भी बोला गया है कि स्टूडेंट्स को साइबर बुलिंग के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि उससे बचा जा सके, ठीक है। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस है, प्रज्ञात वर्ड ध्यान रखिएगा, HRD मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, तो ये जो काउंसिल है, दिस इज द मेन काउंसिल, इसका नाम बहुत सुनते होगे आप, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उन्होंने एक अपडेट दिया है, इट हैज कॉशनड दैट जो 2 ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है, इटोलिजुमाब और टोकिलिजुमाब, अभी तक जो ICMR जो बोल रहा है कि एज ऑफ नाउ कोई एविडेंस ऐसा नहीं है ट्रायल से, जिससे कि ये प्रूव हो सके कि जो सीवियरली इल कोविड पेशेंट्स हैं, उनमें मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। तो फिलहाल के ट्रायल्स ऐसे एविडेंस नहीं शो करते, ऐसा कहा है ICMR के DG ने, इनका नाम बताना है आपको, ठीक है। सो हु इज द DG ऑफ ICMR? इनका इसका आंसर तो पता होगा यार, बहुत नाम इनका पेपर में और न्यूज में आता है। आंसर इज बलराम भार्गव जी। फोटो देख लीजिए, बलराम भार्गव, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एक और काम कर रही है, अक्रॉस ऑल जो जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, उनमें से कई हॉस्पिटल से डेटा बुलाया जा रहा है DGHS द्वारा, फॉर एग्जांपल सफदरजंग, एम्स एक्सेट्रा, काफी और हॉस्पिटल इंडिया के, और उनसे देखा जा रहा है कि जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है, उन्हें किस तरह के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कोविड इंड्यूस्ड डायबिटीज, हर्ट या फिर लिवर, कुछ भी तरह के जो कॉम्प्लिकेशन है वो पूरा देखा जा रहा है, ताकि इस डेटा और ऑब्जर्वेशन से जो कोविड के बाद का जो पोस्ट केयर और ट्रीटमेंट है, उसकी गाइडलाइंस को भी जारी करा जा सके, उसको और इम्प्रूव करा जा सके। तो ये ऑब्जर्वेशन भी चल रहा है कि जो इंसान रिकवर कर गया, उसके सिम्टम, उसके किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, ताकि इस तरह की गाइडलाइंस और इम्प्रूव करी जा सके। तो DGHS ये काम कर रहा है, तो 2 खबरें यहां बनती है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप जानते हैं कि इटोलिजुमाब कौन बनाता है, बायोकॉन एक कंपनी है बैंगलोर की, वो बना रही है, इसकी तो खैर हम कुछ दिनों पहले बात कर चुके थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर्म्ड, ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर्म टू लुक इन टू द हैदराबाद पुलिस इनकाउंटर, जो आपको पता है कि लास्ट दिसंबर में हुआ था, रिलेटेड टू द गैंग रेप एंड द मर्डर ऑफ द वेटरनरी डॉक्टर जो थी, इट वॉज अ वेरी हीनस एंड ब्रूटल क्राइम। तो उसमें जो पुलिस ने इनकाउंटर किया था, उसको इंक्वायर करने की जो कमीशन बनी थी, उस सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था, उसके चेयरमैन कौन थे इस कमीशन के? एंड द आंसर इज जस्टिस VS सिरपुरकर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं ये। फोटो देख लीजिए। खबर इसलिए आ रही है कि अभी ऐसा चांसेस लग रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे के मर्डर जो इनकाउंटर हुआ था, उसका भी केस चल रहा है,
तो जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हैं बोबड़े जी, उन्होंने बोला है चांसेस ऐसी लग रही है कि विकास दुबे वाले केस के लिए भी इसी तरह कमीशन बनाई जा सकती है। डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है पर कमीशन इसी तरह के बनाने के चांसेस हैं। अब ये आर्टिकल में बताया गया द हिंदू में आज, पर उसी आर्टिकल में ये जानकारी भी आई थी। तो ये फैक्ट एग्जाम में आ सकता है। विकास दुबे वाले केस में क्या बनता है, उसके चेयरमैन कौन बनते हैं देखना पड़ेगा, बट पुरानी इंफॉर्मेशन जो निकल के आई यहां से वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीएस सिरपुरकर कमीशन का क्या पर्पज था पता नहीं। ठीक है चलिए, तो कई बार लेटेस्ट न्यूज से हमें पुरानी खबरों की भी काफी फैक्ट्स मिल जाते हैं विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज आस्क्ड इट्स पर्सनल टू डिलीट 89 एप्स फ्रॉम देयर स्मार्टफोन्स इंक्लूडिंग फेसबुक इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, एंड द आंसर इज ये डिसीजन इंडियन आर्मी ने दिया, क्योंकि सारे सोल्जर्स जितने भी पर्सनल हैं उनके दे विल हैव टू डिलीट दीज 89 एप्स। ठीक है, अब देखिएगा इन 89 ऐप में सिर्फ चाइनीज ऐप नहीं है, कई और ऐप्स, चाइनीज वाली तो है ही ऑब्वियसली, कई और ऐप्स भी हैं जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम हो गया। कई सीनियर ऑफिसर्स जो आर्मी के हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे इस गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी स्टे लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि इंडियन आर्मी के ऑर्डर से कंप्लाई करिए। ठीक है, और इंडियन आर्मी का लॉजिक क्या आप जानते हैं कि किसी भी तरह का सिक्योरिटी इशू ना आए, इंफॉर्मेशन काफी कॉन्फिडेंशियल होती है वो किस तरह लीक ना हो, और कई बार आप हनी ट्रैप के इश्यूज देखते हैं, फेक आईडीज वगैरह दूसरे देश के एजेंसी बनाती हैं, उस तरह की किसी भी चीज से बचा जा सके, ये सब रीजन के कारण स्टेप लिया गया है। ठीक है, फिलहाल अपडेट ये आगे जो भी होगा बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 ईयर्स इंडिया विल रिज्यूम एफटीए टॉक्स, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स विद हुम, एंड द आंसर इज ईयू। यूरोपियन यूनियन के साथ 7 साल पहले टॉक्स सस्पेंड हो गई थी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के कारण के बारे में, अब वो रिज्यूम होने वाली है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखते हैं इसमें कुछ मतलब ऑब्वियसली थोड़े मतलब टिकलिस इश्यूज होते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, अब इस बार सक्सेसफुली एफटीए साइन हो पाता है नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, टॉक्स पर रिज्यूम होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पाइक एलआर, एलआर मतलब लॉन्ग रेंज होता है, स्पाइक एलआर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, द आंसर इज इजराइल। और हाई चांसेस है कि हमारी जो आर्मी है ऑर्डर प्लेस करे इन मिसाइल्स का, स्पाइक मिसाइल्स के, ऐसी चांसेस हैं क्योंकि एक सिग सॉयर ये राइफल्स हैं, मतलब असॉल्ट राइफल्स हैं यूएस की, हमने इनका रिपीट ऑर्डर कुछ दिन पहले प्लेस किया है यूएस से। ठीक है, तो रिपीट ऑर्डर विद यूएस इन मिसाइल, ये असॉल्ट राइफल्स होती है, मिसाइल नहीं असॉल्ट राइफल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि स्पाइक का ऑर्डर भी हम लोग इसराइल के साथ प्लेस करें। तो सिक्स और असॉल्ट राइफल्स हैं यूएस की, रिपीट ऑर्डर प्लेस करा जा चुका है, उसी तरह का स्पाइक के लिए इसराइल को ऑर्डर दिया सकता है, चांसेस हैं। तो दोनों का ओरिजिन कंट्री आपको पता होना चाहिए, इसका इसराइल, ये एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच यूरोपियन कंट्री हैज बैंड चाइनीज कंपनी हुआवे फॉर फ्यूचर रोल्स इन 5G नेटवर्क्स, और ये डिसीजन लिया है ब्रिटेन ने। रीजन उसका ये बता है कि यूएस सैंक्शन जो प्लेस था हुआवे के ऊपर, इस कारण से ब्रिटेन के लिए काफी मुश्किल होता कि वो सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी सेटअप होता है हुआवे का, वो उसको अश्योर कर पाता उसके इक्विपमेंट्स का। एक बात और, जो अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड काफी अग्रीमेंट्स हैं, काफी अरेंजमेंट है, मतलब इंटेलिजेंस अरेंजमेंट है यूएस और यूके के बीच में। यूएस ने बोला था कि अगर आप हुआवे को आगे अलाउ करोगे तो फिर हम ये इंटेलिजेंस शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयरिंग अग्रीमेंट को सीवियर करेंगे, सीवियर करेंगे मतलब और वीकन करेंगे, उससे बैकआउट भी कर सकते हैं। तो इस कारण से भी ब्रिटेन वॉज प्रेशराइज कि वो हुआवे को बैन करें। ठीक है, क्योंकि यूएस ने बोल दिया था कि यार हमारे जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट है फिर हम उनसे बैकआउट करेंगे, क्योंकि उन्हें यूएस ने सिंपल ये बोला कि हुआवे कंपनी के साथ आगे बढ़ने में यू आर लीकिंग योर इंफॉर्मेशन टू चाइना। तो ये सब इन सैंक्शन के कारण ब्रिटेन वॉज फोर्स टू बैन हुआवे फॉर द फ्यूचर रोल्स जो भी 5G वगैरह का होता है। इस कारण से ब्रिटेन और चाइना के बीच में रिलेशन और काफी खराब हो सकते हैं। तो लंदन बीजिंग रिलेशंस की खबर यहां से और नेगेटिव हो सकती है, कहानियां कैसे बढ़ती है, चाइना कैसे रिएक्ट करता है देखना पड़ेगा, पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक एंगल से भी सैंक्शंस के थ्रू काफी काम चल रहे हैं, नजर रखनी पड़ेगी खबर आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द जीएसटी रेट एप्लीकेबल फॉर एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, एंड द आंसर इज 18%। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी का जो एएआर होता है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उनकी गोवा बेंच ने एक रूल दिया है, तो सुन लीजिए पहले। एक्चुअली इस फील्ड में काफी कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है,
पहली चीज, इसको पहले एसेंशियल लिस्ट में लाया गया, अब हटा दिया गया है। दूसरा, जीएसटी में अगर मैं हैंड सैनिटाइजर को मेडिकामेंट मानता हूं, मतलब मेडिकल एंगल से देखता हूं, तो 12% का जीएसटी समझ में आता है। अगर इसको मैं डिसइंफेक्टेंट मानता हूं तो 18% की बात समझ में आती है। ठीक है, अब यही कंफ्यूजन था। तो एक स्प्रिंगफील्ड कंपनी है, उसने एएआर जो जीएसटी की बेंच है गोवा में अपील करी कि यार हमारे जो हैंड सैनिटाइजर है अल्कोहल बेस्ड, वो किस बैंड में आएंगे, 12% या 18%, वो लोग 12% कहना चाह रहे थे। अब फाइनल रूलिंग क्या आ गई वो सुन लीजिए, गोवा की बेंच ने दिया है। ठीक, रूलिंग ये है कि उन्होंने बोला है कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर 18% बैंड में आएंगे। और एक और बात बोली उन्होंने, क्लैरिफाई भी कि अगर कोई चीज एसेंशियल कम्युनिटी में आती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें टैक्स एग्जेम्पशन देना कंपलसरी हो जाए। एक तो ये बात और 18%, ये दो बातें कही हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो जीएसटी गोवा बेंच है उन्होंने। तो दिस वेरी मच क्लैरिफाइज द कंफ्यूजन कि अब ये हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल वाले 18% बैंड में आएंगे। क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने थ्योरिटिकली दिया है। लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज पास द लॉ अलाउइंग कमर्शियल फार्मिंग ऑफ एनिमल्स बाय अलाउइंग प्राइवेट जूज टू ब्रीड 90 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आउट ऑफ विच 20 आर इनडेंजर्ड। तो किस देश ने ये परमिशन दी अपने प्राइवेट जूज को कि 90 वाइल्ड लाइफ की ब्रीडिंग अलाउ कर रहा है जिसमें 20 इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज लाइक अलाउइंग द कमर्शियल फार्मिंग, से मैंने अलाउ वर्ड पर दो बार यूज किया है। ये डिसीजन लिया है म्यांमार ने। और इस लिस्ट में जो इंडेंजर्ड एनिमल्स है उसमें पता है कौन कौन है, टाइगर्स, पैंगोलिन जो होते हैं, फिर सियामीज क्रोकोडाइल, एक कैटेगरी ऑफ डॉल्फिन भी हैं। तो अब इससे क्या है कि काफी अपोजिशन आ रहा है जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट कंजर्वेशन ग्रुप्स है उनकी तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि इससे इलीगल ट्रेड बढ़ेगा। म्यांमार वैसे ही काफी बदनाम है कि वहां पे इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ का काफी होता है, खासकर चाइना में डिमांड है उसके कारण। ठीक है, अब इस चीज से और बढ़ेगा, हो सकता है एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो इलीगल ट्रेड के लिए, और बीमारी की प्रॉब्लम भी बढ़ती है जो फैलती है एनिमल और ह्यूमंस के बीच में। बट म्यांमार कह रहा है कि नहीं, हमने सारे कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट, एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट से बात करके ही ये डिसीजन लिया है। तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, काफी लोग अपोज कर रहे हैं, WWF और बाकी जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन ग्रुप होते हैं, बट म्यांमार भी डिसीजन पे टिका हुआ है। और डिटेल्स इतना तो कर नहीं पूछेगा, पर किस देश ने लिया है म्यांमार का नाम वो आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक जरूर कर देना और अपने फीडबैक्स कमेंट करिएगा। ओके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके बगल में जो बेल का निशान है उसको दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।